क्या यूपी में एनडीए का कुलबा कायम रहेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज बीजेपी से नाराज चल रहे अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की अलग अलग बैठक होने वाली है। अपना दल एस की बैठक में जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत सभी अहम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगा। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं। आपको बता दें कि अपना दल एस ने भी बीजेपी पर सहयोगी की अनदेखी करने का आरोप लगाया, खुले तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। तो बेहद ही खास दिन आज, सवाल यही है। आज बीजेपी से नाराज चल रहे हैं अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की अलग अलग बैठक होने वाली है, और अपना दल एस की बैठक में जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत सभी अहम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि उन्हें एनडीए में रहना है होगी इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं। आपको बता दें कि अपना दल एस ने भी बीजेपी पर सहयोगी की अनदेखी का आरोप लगाया और खुले तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। तो कई बार यूपी की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी अपना दल एस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ में कार्यकारिणी की बैठक कर रही हैं। यहाँ पर लखनऊ में अपना दल के कार्यालय में अपना दल की ये बैठक होनी है, अपना दल एस की ये बैठक, जिसमें जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। 2019 का चुनाव जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति के इर्द गिर्द अब सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, उस मद्देनज़र ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से इसके पहले अपना दल एस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी सामने आई थी, अपना दल एस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से खुल करके बीजेपी पर हमला बोला था, उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि क्या 2019 में गठबंधन का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जो कि 2019 की राजनीति और उसके परिणामों की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। यही वजह है कि आज की इस बैठक पर तमाम राजनेताओं के साथ साथ जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनकी भी नज़र है। अपना दल एस की इस बैठक से जो कुछ भी निकल करके आता है वो ये तय करेगा कि क्या अपना दल एस 2014 की तरीके से ही बीजेपी के साथ बनी रहेगी या फिर 2019 में एक नया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सियासत में सामने दिखाई देगा। कैमरा पर्सन रंजन के साथ वासुदेव त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। तो क्या यूपी में एनडीए का कुनबा कायम रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज बीजेपी से नाराज चल रहे अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की अलग अलग बैठक होने वाली है। अपना दल एस की बैठक में जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत सभी अहम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं। आपको बता दें कि अपना दल एस ने भी बीजेपी पर सहयोगी की अनदेखी का आरोप लगाया, खुले तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। तो कई मायनों में आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2019 लोकसभा चुनाव के तहत ये चर्चा भी आज हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सरकार पर बार बार निशाना साधने वाले ओम प्रकाश राजभर आज फैसला ले सकते हैं कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं कि वो उन्हें निकालना है तो वो निकाल दें, लेकिन वो खुद कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो आज की बैठक काफी अहम, बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं।
तो आपको बता दें कि अपना दल एस ने भी बीजेपी पर सहयोगी की अनदेखी का आरोप लगाया है और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी बार बार खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते आए। तो 2019 की राह एनडीए के लिए कितनी आसान या कितनी मुश्किल रहेगी, आज ये साफ हो जाएगा। जी मीडिया संवाददाता वासुदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो वासुदेव, कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर आज ये फैसला ले सकते हैं क्योंकि बार बार खुले तौर पर वो अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। दीपिका, जिस जो हमारे पास जानकारी है इन दोनों बैठकों के मद्देनजर, ओम प्रकाश राजभर का सवाल आपने किया, ओम प्रकाश राजभर अगर एनडीए से अलग होने जैसा आज कोई फैसला नहीं लेंगे, हालांकि इस बात को लेकर के चर्चा जरूर की जाएगी, जो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे उनके साथ इस बात को लेकर के चर्चा की जाएगी, लेकिन एनडीए से अलग होने का कोई आज फैसला या कोई अनाउंसमेंट आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहां तक अपना दल की बैठक का सवाल है, मैं इस वक्त यहां पर मौजूद हूं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ठीक हमारे पीछे यहां पर इस समय अपना दल की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और साथ साथ में जो जिला कार्यकारिणी है अपना दल एस की, उनके सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। अपना दल एस जिस तरीके से इसके पहले बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है, उसके मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 2019 के चुनावों के मद्देनजर ही ये बैठक होगी, उन्हीं मसलों पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और इस चर्चा के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, क्या अपना दल एस बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने जैसी किसी संभावना पर विचार कर रहा है, ऐसे तमाम सवालों पर इस बार नजर है। बिल्कुल वासुदेव, और अपना दल एस ने भी बीजेपी पर सहयोगी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, कई बार खुले तौर पर नाराजगी भी जाहिर की है। ऐसे में अगर ये दोनों गठबंधन टूट जाता है तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होगा 2019 लोकसभा चुनाव? देखिए, चुनाव के ठीक पहले कोई भी गठबंधन टूटना बेशक किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि जिस तरीके से इन छोटे दलों के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने एक बड़ा परिणाम अपने पक्ष में लिया था, तो चाहे 2014 की बात करें या 2017 की। लेकिन जहां तक अगर संभावनाओं की बात है तो आज की तारीख में इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है कि आज कोई ऐसा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बीजेपी से अलग होने का हो। हालांकि बीजेपी के से जो नाराजगी है, जिन मुद्दों पर नाराजगी है, उन मुद्दों को यहाँ पर रखा जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी, सभी पदाधिकारियों से उन पर बात होगी, कार्यकर्ताओं से उन पर बात होगी और आगे का फ्यूचर कोर्स क्या होगा पार्टी का, इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी। और जब आगे की संभावनाओं की बात होती है तो उसमें एक गठबंधन से अलग होना और दूसरे गठबंधन के विकल्प तलाश करना, ये दोनों ऑप्शंस खुले रहते हैं। लेकिन आज इन सब मुद्दों पर चर्चा तो होगी, लेकिन आज कोई फैसला हो इस बात की संभावनाएं कम है। जी बिल्कुल वासुदेव, बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर आज कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि वो एनडीए में रहना चाहते हैं या नहीं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे अलायंस के तौर पर बीजेपी के साथ जुड़े हैं कि जब से वो जुड़े हैं तब से लगातार बीजेपी से उनका जो दुराव और विरोधाभास जो है वो दिखाई देता रहा है। आज उनकी बैठक है और कहा यह जा रहा है कि बैठक इस बात को लेकर है कि वो ये तय करें अपने नेताओं से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके कि आखिर उनको इस अलायंस में रहना है या नहीं रहना है। लेकिन लगता नहीं है कि आज कोई बड़ा फैसला वो कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे मौकों पर वो ऐसी धमकियां और ऐसी बातें कह चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट इसका अभी तक नहीं आया है। इस बार भी आज की बैठक का कोई रिजल्ट आ जाए, ये तय हो पाए, कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बैठक के पीछे जो उद्देश्य है, बताया यही जा रहा है कि ये बैठक इसीलिए है कि अलायंस बीजेपी के साथ रहेगा या फिर दूसरे अलायंस में उनको जगह मिलेगी। दरअसल ये जो तमाम छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से दो बड़े गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी अलायंस है जिसे एनडीए कहते हैं और दूसरी तरफ एसपी बीएसपी का महागठबंधन बनने जा रहा है, अब छोटी पार्टियां जो है उनके लिए एक बड़ा मौका है और वो अपनी अहमियत को साबित करना चाहती हैं। शायद इसीलिए आज की जो बैठक है वो खास भी है, क्योंकि ये बैठक तय करेगा इस बैठक से कि अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ रहते हैं या फिर वो महागठबंधन जो एसपी बीएसपी का महागठबंधन है उसके साथ जाएंगे, ये तय राजभर को करना है।
बीजेपी का स्टैंड ये है कि जो भी अलायंस पार्टियां हैं हमने उनके साथ जो गठबंधन का धर्म है उसे निभाया है, और इस बार का गठबंधन एक तरफ बीजेपी का जनता की तरफ से है, बाकी पार्टियों का अपना गठबंधन है। तो बीजेपी अब राजभर या फिर अपना दल एस से बहुत ज़्यादा डरी हुई हो या उनको लगता है कि इनके चले जाने से बड़ा नुकसान होगा, कम से कम बीजेपी अब ऐसा नहीं मान रही, उसको लगता है कि ये अगर चले भी जाते हैं तो हम लड़ लेंगे चुनाव। तो एक तरफ ये छोटी दल है जो अपनी अहमियत अपनी इम्पोर्टेंस को साबित करना चाहते हैं, उनके पास चूंकि ऑप्शन है एक महागठबंधन, और दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेपी है जो जिसको लगता है कि गठबंधन के साथ ही जिन्होंने प्रीपोल अलायंस किया था अभी भी वो प्रीपोल अलायंस के साथ उनके साथ चुनाव मैदान में जाते हैं, तो दोनों को फायदा हो सकता है। लेकिन ये तय करने की जिम्मेदारी इन छोटे दलों को है। राजभर आज अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो देखना होगा कि उस बैठक में क्या हल निकलता है। लेकिन राजभर धमकी दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, भले पार्टी उनको निकालना चाहती है तो निकाल सकती है। तो जिस तरीके से विनोद यहाँ पर आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये छोटे छोटे दल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं विनोद एंड वक्त पर गणित बिगाड़ने और बनाने में। बिल्कुल, खास करके यूपी की अगर सियासत देखें आप तो यहाँ पे जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और पार्टियाँ भी जातियों के आधार पर वोट मांगने की कोशिश करती हैं। तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियाँ खासकर इनका अस्तित्व ही जातियों के आधार पर, उनके वोट बैंक के आधार पर है। ऐसे में राजभर की भूमिका बड़ी होती है ये मानना पड़ेगा, खास करके पूर्वांचल के कुछ सीटों पर। लेकिन ये लोकसभा में कितना कारगर होगा, क्योंकि इससे पहले राजभर लोकसभा में कभी कोई सीट नहीं निकाल पाए, विधानसभा तक कोई जीत नहीं पाए थे। पहली बार हुआ था जब ये बीजेपी के साथ गठबंधन करके आए, प्रीपोल अलायंस किया और 8 में से 4 सीटें ये जीत गए। तो राजभर ने करीब दो सालों में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। लगातार उन्होंने जनसभाएं की है, अपने 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 जो अपने लोग हैं उनको एक साथ लाने की और खड़ा करने की और अपनी अहमियत बनाने की बात की है, क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या होती है उसकी उतनी ताकत होती है, संख्या के आधार पर ही ताकत माना जाता है। तो राजभरों की संख्या पूर्वांचल में मानी जाती है, और अगर राजभर को ये एक साथ जोड़कर अपने साथ खड़ा करते हैं तो इनकी बड़ी भूमिका होगी। हालांकि बीजेपी ने भी इसका काट ढूंढ लिया है पहले से ही, जिस तरह से लगातार ओम प्रकाश राजभर धमकी देते रहे हैं। बीजेपी ने जो पार्टी में दूसरे राजभर हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की है। आपने देखा कि गाजीपुर में जो रैली हुई थी उसमें वो राजभरों की रैली ही एक तरह से थी, लेकिन उसमें ओम प्रकाश राजभर नहीं थे। इसके बावजूद बीजेपी ने कहा कि ये एक सफल रैली है और राजभरों की रैली है। तो राजभर को जो अलग है, जो इस सुहेल देव राजभर पार्टी से अलग है, उनको एक साथ लाने की कवायद में बीजेपी जुड़ी हुई है। जो पार्टी में राजभर नेता है उनको कहीं ना कहीं पार्टी बढ़ावा दे रही है, और शायद यही बड़ी वजह है कि राजभर जो है वो बौखलाए भी हुए हैं और इसलिए आज बैठक भी कर रहे हैं कि वो ये बता पाए। एक तरह से आप ये कह भी सकती हैं कि एक आर्म ट्विस्टिंग प्रैक्टिस है जो छोटी पार्टियां उनकी, और एक तरह से जहां एक तरह से प्रेशर क्रिएट करेंगी अपने अलायंस के साथ जो बीजेपी है, और दूसरी तरफ इनको एक मौका भी मिलेगा जो दूसरे महागठबंधन उनके साथ। आपने विनोद, और आऊंगी मैं आपके पास। वासुदेव हमारे साथ बने हुए हैं। वासुदेव, एक तरफ महागठबंधन की तस्वीरें बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और अब सत्ताधारी पार्टी के तरफ से भी जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, गठबंधन टूटने की बात हो रही है। ऐसे में जो अपना दल इसने बीजेपी पर सहयोगियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, इस आरोप को बीजेपी कैसे लेती है, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा चैलेंज है यहां पर। देखिए, अपना दल एस की जो नाराजगी है बीजेपी के साथ में वो कई मुद्दों को लेकर के है, जिनमें लेकिन जो मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसमें अपना दल एस के पास में 9 सीट्स होने के बाद भी कोई कैबिनेट बर्थ नहीं है, कोई कैबिनेट की सीट नहीं है। अपना दल एस की तरफ से बात की उम्मीद की जा रही थी कि अपना दल एस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशीष पटेल, उनके MLC बनने के बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई प्रॉमिस अभी साफ तौर पर अभी तक देखने को नहीं मिला। नाराजगी की एक बड़ी वजह इस बात को माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुभाषपा जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लिहाजा बड़ी पार्टी होने के चलते अपना दल इस बात को लेकर के लगातार दबाव बना रही है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिन्हें लेकर के आने वाले समय में जब भी कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है तब इसे लेकर के बीजेपी कोई आश्वासन दे सकती है, या फिर जो अपना दल एस के साथ में जो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय होगा वो
इन सारे मुद्दों पर अभी बीजेपी ने खुलकर अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, तो लिहाजा इस बात को लेकर के कोई निर्णय करना कि कोई दोनों पार्टियों के बीच में कोई बात बनी हो या कोई अनबन हुई हो, दोनों स्थितियों में कोई एक अंतिम निर्णय आ गया हो, अंतिम डिसीजन पे पहुंच गई हो पार्टियां, ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि अपना दल एस बीजेपी पर दबाव बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी गठबंधन से अलग होने, गठबंधन टूटने जैसी कोई स्थिति नहीं पहुंची है। सही कहा वासुदेव, आपने लौटूंगी आपके पास में। विनोद आप भी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि अपना दल के प्रवक्ता अरविंद शर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज 2019 के चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर की, प्रदेश स्तर के और जिले स्तर की कार्यकारिणी, तीनों कार्यकारिणी आज बुलाई गई है और इस पे 2019 के चुनाव की रणनीति आज तय करनी है। आज हमारी नेता अनुप्रिया जी और पार्टी के सारे सीनियर पदाधिकारी बैठ के चर्चा करेंगे कि क्या दिशा होनी चाहिए। तो लगातार हमारे साथ विनोद और वासुदेव हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है, जितना दिखाने की कोशिश हो रही है कि रास्ता बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान दिख नहीं रहा। और ये भी हो सकता है विनोद कि ये जो बैठक है वो एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने के लिए की गई हो। बिल्कुल, आप इसे आर्म ट्विस्टिंग प्रैक्टिस कह सकती हैं। एक तरह से दोनों दल जो है उत्तर प्रदेश में है बीजेपी के अलायंस से, और अगर वो बीजेपी से अलग होते हैं खास करके लोकसभा चुनाव में, और जब इस ऐसे वक्त पर जब एक बड़ा गठबंधन उनके सामने मौजूद हो, एसपी बीएसपी जैसे दो बड़े दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो गठबंधन के सामने आ रहे हो, तो ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी भी है कि वो ऐसे तमाम छोटे दल को अपने साथ रखे, और खास करके ये ऐसे वक्त पर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी अहमियत इस लिहाज से बढ़ जाती है क्योंकि जातियों का समीकरण उत्तर प्रदेश में सबसे खास और सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे में बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि वो इन दलों को अपने साथ रखे। हालांकि जिस तरीके से ये दल इन दलों का रिएक्शन पिछले कुछ महीनों में मिल रहा है, माना ये जा रहा है कि ये दरअसल अपनी पार्टी को की सीटों को लेकर बीजेपी में एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस तरीके से वो प्रेशर क्रिएट कर पाए तो शायद उनको कुछ सीटों का फायदा हो पाएगा। राजभर देखिए, इतने सालों से लगातार वो विरोध कर रहे हैं पार्टी में रहते हुए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए, लेकिन उन्होंने ना तो पार्टी छोड़ी ना ही अपना मंत्रालय छोड़ा। वो कहते हैं कि पार्टी बीजेपी चाहे तो निकाल दे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका मकसद भी है कि वो सत्ता के साथ रह के पार्टी को खुद को मजबूत कर पाए, और इसका फायदा उठाते हैं, उठा भी रहे हैं। लगातार 18 महीनों से वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में ही लगे हुए हैं। जो बतौर मंत्री रहते हुए भी वो अपनी पार्टी को, जो सुभाषपा है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो एक तरफ जो छोटे दल हैं उनकी मजबूरी भी है कि वो बड़े दलों के साथ लोकसभा चुनाव में आए, क्योंकि अगर अकेले आते हैं तो। और वासुदेव, जिस तरीके से हम अपना दल के प्रवक्ता अरविंद शर्मा को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो बैठक है सिर्फ 2019 लोकसभा चुनाव के लिए चर्चा करने के लिए बुलाई गई है, लेकिन चर्चा तो इस बात पर भी होगी और फैसला भी शायद आएगा कि गठबंधन में रहना या नहीं, क्योंकि ये भी 2019 के तहत ही बैठक बुलाई गई है। दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।